आज की इस अनोखी कहानी में वो सब कुछ है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस कहानी में वो चीजें हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक वीरान से जंगल में लीजा गाड़ी से बाहर निकलती है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और वो जल्दी जल्दी अपने जख्मी दोस्त पिट को बाहर निकालती है। अब लीजा कहती है, मैं आसपास कहीं मदद देखती हूँ। इसके बाद वो जंगल में एक तरफ बढ़ती है और जल्द ही एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। अब हॉस्पिटल के अंदर से एक नर्स किम आकर दरवाजा खोलती है, जिससे लीजा मदद मांगती है। उसकी बात सुनकर किम कहती है, मैं अभी एम्बुलेंस भेजती हूँ। कुछ ही देर में पिट को हॉस्पिटल में लाया जा चुका था। उसी पल डॉक्टर आकर कहता है, इसे जल्दी ओटी में लेकर जाओ। फिर वो लीजा से पूछता है क्या हुआ था। लीजा बताती है कि हम वीकेंड मनाने दूसरे शहर जा रहे थे, हमारे रास्ते में एक जानवर आया जिसके बाद हमारी गाड़ी पलट गई। डॉक्टर कहता है, वैसे तो ये एक मेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम यहीं रुकना, जहाँ कई खतरनाक पागल हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर लीजा अंदर तक डर गई थी। कुछ देर बाद किम बाहर आकर कहती है, तुम्हारा दोस्त खतरे से बाहर है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा, चलो मैं तुम्हारे जख्म देखती हूँ। इसके बाद वो लीजा को एक कमरे में ले जाकर उसके जख्मों का इलाज करती है। फिर वो उसे दूसरे कमरे में लाकर कहती है, सुबह तुम अपने दोस्त से मिल सकती हो, अब तुम यहाँ आराम करो। अब लीजा नींद लेने लगती है और वो अपने सपने में कई पागल देखती है जो आकर उसे दबोच लेते हैं। फिर एक पागल उसकी आंख पर वार करता है और तभी लीजा अपनी नींद से जाग जाती है। अब वो वॉशरूम तलाश रही थी कि अचानक कोई आवाज सुनकर एक तरफ बढ़ती है। आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंच गई थी, जहां उसके सामने एक मरीज था। वो जैसे ही उसका कपड़ा हटाती है तो डरकर कहती है, पिट ये तुम्हें क्या हुआ। पिट कहता है, वो दरिंदे हैं, वो किसी को मारते नहीं सिर्फ तड़पाते हैं, प्लीज लीजा मुझे मार डालो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद लीजा ना चाहते हुए भी उसे मार देती है। पिट की मौत से लीजा बहुत दुखी थी कि तभी वहाँ डॉक्टर आकर कहता है, अब मैं तुम्हें दर्द की दुनिया में सैर कराऊंगा। ये सुनकर लीजा पूरी तरह से डर गई थी। तभी कोई कहता है, कट बंद करो सब, लीजा के पीछे वाले मिरर में कैमरा दिख रहा है, एना तुम्हें इसे ठीक करना होगा, नर्स का काम खत्म, उसे जाने दो। ये था मूवी का डायरेक्टर स्टीवन, जिसकी मूवी की शूटिंग मेंटल हॉस्पिटल में चल रही थी। वो मूवी की एक्ट्रेस लीजा के काम से बहुत खुश था। ब्रूस की एक्टिंग का तो वो शुरू से ही लोहा मानता था। उसके सेट डिजाइनर एना और डेविड भी बहुत काबिल थे। साउंड वाले कार्लो और जिम भी हमेशा अपने काम से स्टीवन को खुश कर देते थे। इनके अलावा कैट और माइक स्टीवन के सहायक थे। मारिया कलाकारों का मेकअप ऐसा करती थी कि वो बिल्कुल असली लगता था। उसी रात कार्लो और जिम बेसमेंट में आकर पानी की बूंदें गिरने का साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक जिम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो आवाज की तरफ बढ़ते हैं। अब उनके सामने एक दीवार थी, जिसे देख कार्लो कहता है, इसके पीछे से रोशनी आ रही है, यहाँ जरूर कोई खास चीज पड़ी होगी। बस फिर क्या था, स्टीवन तो पहले से ही ऐसी चीजों का दीवाना था। वो दीवार तोड़कर इसके अंदर बने गुप्त कमरे में आता है, जहाँ एक प्रोजेक्टर पड़ा था। उसे जल्द ही कुछ मूवीज भी मिल जाती हैं, जिसके बाद वो कहता है, मैंने सुना है कि कई साल पहले इस हॉस्पिटल का डॉक्टर आर्थर अपने मरीजों को सच में टॉर्चर करता था। वो अपने कारनामों को हमेशा रिकॉर्ड करता था, इसीलिए मैंने अपनी मूवी के लिए इस हॉस्पिटल को चुना। पुलिस ने आर्थर को पकड़कर मार दिया था, लेकिन शायद पुलिस को ये कमरा नहीं मिला। ये कहकर वो मूवीज देखने लगता है। मूवी में पहले आर्थर एक लड़की को टॉर्चर करता है, फिर उसकी नर्स लड़की को बेहिसाब मार मार कर अधमरा कर देती है। स्टीवन इन मूवीज में खो गया था, जबकि उसके साथ
साथी धीरे धीरे डरकर बाहर जा रहे थे। पूरी रात स्टीवन इन मूवीज को अकेला ही देखता है। अगले दिन सुबह स्टीवन फिर से अपनी मूवी की शूटिंग शुरू कर देता है। लीजा फिर से अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाने लगती है, लेकिन स्टीवन को आज बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो सब कुछ असली जैसा चाहने लगा था और आखिर में शूटिंग रोक देता है। उसी रात को स्टीवन फिर से अकेला ही गुप्त कमरे में आता है, जहां वो फिर से आर्थर की मूवीज देखने लगा था, जिनमें आर्थर मरीजों को टॉर्चर कर रहा था। स्टीवन इस बात से बेफिक्र था कि मरीजों की आत्माएं भी इसी कमरे में थी। अगली रात भी स्टीवन अकेला ही मूवीज देख रहा था, जिसके बाद वो आर्थर का कैमरा उठा लेता है। यकीनन वो अब कुछ खतरनाक करने वाला था। कुछ देर बाद स्टीवन ब्रूस के पास आकर कहता है, ब्रूस उठो, जल्दी जल्दी तैयार होकर सेट पर पहुंचो, ये सीन हमें रात को ही शूट करना है। स्टीवन की बात सुनकर ब्रूस जल्दी जल्दी तैयार हो गया था। अब एक कमरे में मेकअप करने वाली मारिया बांधी हुई थी, जिसके पास आकर ब्रूस कहता है, तुम ठीक तो हो ना मारिया? तभी स्टीवन पास आकर कहता है, कैमरा इस कमरे के बाहर रहेगा, तुम्हें इस टूल से इसे मारना है, ये टूल पूरी तरह से नकली है। इसी बीच स्टीवन टूल लेकर दूसरे कमरे में जाता है और वापिस आकर उसे असली टूल दे देता है। अब ब्रूस जैसे ही टूल चलाता है तो मारिया दर्द से तड़प जाती है। ब्रूस जल्द ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन स्टीवन ने कमरे को बाहर से बंद कर रखा था। अगले दिन सुबह एना बाकियों के पास आकर पूछती है, क्या किसी ने कैट को देखा? तभी डेविड कहता है, मैंने ब्रूस को भी नहीं देखा। जिम कहता है, स्टीवन भी रात से गायब है। अब सभी स्टीवन और बाकियों को ढूंढते ढूंढते गुप्त कमरे में आ जाते हैं, जहां लीजा के हाथ एक नोट लगता है, जिस पर प्रोजेक्टर ऑन करने के लिए कहा गया था। वो जैसे ही उसे ऑन करते हैं तो उनके सामने स्टीवन कैट को टॉर्चर कर रहा था। उसे काफी मारने के बाद वो एक तरफ से उसका पेट काट देता है। अब सभी कलाकारों ने स्टीवन को मारने का फैसला कर लिया था और तभी वहां पड़ा टीवी अपने आप चल पड़ता है। टीवी में स्टीवन कहता है, मैंने तुम लोगों को कुछ दिखाने के लिए ये कैमरा ऑन किया है। अब सभी टीवी देख रहे थे, जिसमें स्टीवन उनके सामने ही ब्रूस को बीच से काट देता है। ब्रूस की मौत देखकर सभी बुरी तरह से डर गए थे। सभी माइक को ढूंढकर जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे। इसी दौरान कार्लो एक कमरे में आकर शराब पीता है। डर के कारण उसने ज्यादा शराब पी ली थी और अचानक उसके सामने स्टीवन आ जाता है। दूसरी तरफ लीजा और साथियों के सामने एक प्रोजेक्टर पड़ा था। वो उसमें कुछ वीडियोस देखते हैं, जिन्हें देखकर एना कहती है, स्टीवन की भी किसी ने रिकॉर्डिंग की है, इसका मतलब साफ है, ये काम सिर्फ स्टीवन का नहीं, कोई तो है जो स्टीवन की मदद कर रहा है। दरअसल हॉस्पिटल के मरीजों की आत्माओं ने स्टीवन पर काबू पा लिया था। वही अब मूवी बना रहे थे, जिसमें स्टीवन और उसकी टीम थी। उधर कार्लो और माइक एक बड़े से कुएं में थे। अचानक स्टीवन ऊपर आकर कहता है, तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा वही बाहर आ सकेगा। इतना सुनते ही कार्लो और माइक एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। इस लड़ाई में कार्लो ने माइक को मार दिया था। उसे उम्मीद थी कि वो अब बच जाएगा, लेकिन स्टीवन के इरादे तो कुछ और ही थे। वो उस पर तेज रोशनी वाली लाइट्स गिराता है, जिसके बाद कार्लो तड़प तड़प कर मर जाता है। अब बारी जिम की थी, जिसे स्टीवन इतनी तेज आवाज सुनाता है कि उसके कानों के पर्दे फट जाते हैं। फिर वो भी तड़प तड़प कर जल्द ही मर जाता है। अब लीजा, डेविड और एना डर कर वहाँ से भागते हैं, लेकिन स्टीवन ने हॉस्पिटल को अंदर से बंद कर रखा था। वो अभी बाहर जाने का रास्ता तलाश ही रहे थे कि अचानक स्टीवन आकर डेविड पर वार करता है। स्टीवन को सामने देखकर दोनों लड़कियां डर कर अलग अलग दिशाओं में भागती हैं। कुछ देर बाद डेविड को धीरे धीरे होश आता है, जिसे एक खास जगह पर बांध रखा था। तभी एक तेज धार हथियार उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जान से मार देता है।
ये सारा काम स्टीवन का था जो एक असली मूवी बनाना चाहता था। उधर एना भी लगभग हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन स्टीवन उसे पीछे से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ लीजा के सामने उसके साथियों की लाशें लटक रही थी और वो जिम की लाश से उसकी गन निकाल लेती है। फिर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक आ जाती है जहाँ उसके सामने एना पड़ी थी। एना की हालत बहुत दर्दनाक थी। वो लीजा से मौत की भीख मांगती है लेकिन लीजा नहीं मानती। एना के बार बार कहने पर वो उसे मारने को तैयार हो जाती है लेकिन तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। अब वहाँ स्टीवन आकर कहता है, तुम मेरी मूवी खराब कर रही हो लीजा, चलो उठकर इसे मारो। उसी पल वो स्टीवन पर कई गोलियां चलाती है और वो दूर जा गिरता है। लीजा जल्दी जल्दी उठकर एना को देखती है लेकिन जख्मी एना तो मर चुकी थी। तभी स्टीवन उठकर कहता है, तुम मेरी मूवी खराब नहीं कर सकती, इस मूवी का किलर मैं हूँ और मैं मर नहीं सकता। ये सुनकर लीजा खुद को गन से उड़ा लेती है जिसके बाद वो मर गई थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के मरीजों की आत्माएं कभी किसी मूवी को बीच में नहीं छोड़ती थी, उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं मर सकता था। कहानी के आखिर में सिर्फ स्टीवन ही बचता है जिसने लीजा को भी तड़पा तड़पा कर मार दिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।